हेलो बच्चों, तो आज जो सवाल आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन सवाल है। कॉमन सवाल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ अगर आप 11th या 12th में हैं या 12th पास्ट हैं तो इस फॉर्मेट का सवाल डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं देख लिया होगा, वो सोल्व भी किया होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार क्या बोल रहा है। सोल्व फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की अपने को रियल वैल्यूज फाइंड करनी है और इक्वेशन गिवन है 4 पावर x + 6 पावर x = 9 पावर x। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली जो भी एक्स की रियल वैल्यू जाएंगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर तो अगर इक्वेशन को ऑब्जर्व करेंगे आप तो यहाँ पे तीन टर्म दिख रहे हैं आपको, तीनों का जो पावर है वो सेम रखा है, एक्स एक्स एक्स। बेस पार्ट इसने चेंज किया, दैट इज 4 पावर x, 6 पावर x, 9 पावर x। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि तीन जो डिफरेंट टर्म आपको दिख रहे हैं, 4 पावर x, 6 पावर x, 9 पावर x, क्या इन तीन डिफरेंट टर्म की बजाय आप यहाँ पे कोई एक कॉमन टर्म या कोई दो कॉमन टर्म बना सकते हैं? यानी बेटर ये रहेगा कि केवल एक सिंगल कॉमन टर्म बना दो आप। अगर सिंगल एक कॉमन टर्म बन गया तो डेफिनेटली जो इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करना इजियर टास्क हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट, जो अपना थॉट प्रोसेस है उसी को आगे बढ़ाते हैं। 4 पावर x + 6 पावर x = 9 की पावर x अपने को दिया है। तो यहां से देखो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों साइड में 9 की पावर x से डिवाइड कर दिया। तो क्या बना, 4 की पावर x / 9 की पावर x, दैट इज 4/9 की होल पावर x + 6/9 की पावर x और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब जी 4/9 लिखा है, इसको क्या लिख पाएंगे आप, 4 2 का स्क्वायर या 9 3 का स्क्वायर। तो ये बन गया 2/3 का होल स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, एक्स है। 6/9 इसको लिख पाएंगे आप कितना, 2/3 की होल पावर x = 1। अब फर्स्ट टर्म को अपन अगर रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा 2/3 पावर x की होल पावर 2। दोनों पावर को हमने इंटरचेंज कर दिया बिकॉज पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर x लिखा हो या फिर x की पावर 2 लिखा हो, इस कॉन्टेक्स्ट में सेम ही चीज़ है। देन +2/3 की होल पावर x = 1। अब यहाँ देखिए 2/3 की पावर x केवल एक ही टर्म है, वहाँ पे दो तीनों टर्म डिफरेंट थे और यहाँ पे एक ही डिफरेंट टर्म है 2/3 की पावर x, वही अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो अगर ये अपने आप को रिपीट कर रहा है तो हमने क्या किया, 2/3 की होल पावर x इसको t लेट कर लिया, कुछ अलग वेरिएबल असाइन कर दिया। मैंने t असाइन कर रहा हूँ, आप कोई दूसरा वेरिएबल भी असाइन कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो इक्वेशन है वो क्या बन गया, t² + t = 1, जिसको लिख पाएंगे अपन t² + t - 1 = 0। ये बन गया t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ कहीं आता है तो आप उसको फैक्टराइज करना आप जानते ही हैं। तो बाई ऑब्जर्वेशन इसको अगर सोचा जाए तो बाई ऑब्जर्वेशन इसके फैक्टर आपको नहीं मिल रहे, तो अगर नहीं मिल रहे तो लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है, t² + t - 1 = 0। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला t निकालने जा रहे हैं हम, दैट इज -b + -√d/2a। ए यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 1 है और c कितना, -1 है। तो -b हो गया -1 +-b² - 4, इसी बन जाएगा इसमें 5 का रूट और अपॉन में क्या आता है, 2a, दैट इज 2। अब देखो t किसको लेट किया था हमने, t हमने लेट किया था 2/3 की पावर x को। 2/3 पॉजिटिव है कांस्टेंट, उसकी पावर x वेरिएबल है। तो पॉजिटिव कांस्टेंट की पावर अगर आप कुछ भी लगाएंगे, पॉजिटिव नंबर की पावर में अगर कुछ भी लगाते हैं तो वो जो फाइनली आउटपुट निकल के आता है उसकी जो उसकी वैल्यू आती है वो हमेशा ही बिगर देन जीरो आती है। x को जो पॉजिटिव रखो आप यहाँ पे, या फिर नेगेटिव रखो या फिर जीरो रखो, बेस पॉजिटिव है, इस कारण से इसकी वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। यानी t मेरे को जो मिलना चाहिए दैट शुड बी बिगर देन जीरो। अब यहां पर मेरे को t की दो वैल्यू मिल रही है, एक -1 + √5/2 और दूसरी -1 - √5/2। रूट फाइव का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन 2 पॉइंट समथिंग मान लेते हैं, 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा, 2 पॉइंट समथिंग मान लिया। तो -1 + √5/2, तो -1 में ऐड किया 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग - 1 दैट इज 1 पॉइंट समथिंग / 2, 1 पॉइंट समथिंग / 2 जो बनेगा वो डेफिनेटली 0 से बड़ा ही बनेगा। सेकेंड वैल्यू अगर चेक करने जाएंगे आप, -1 - √5/2,
तो माइनस वन माइनस टू पॉइंट समथिंग, माइनस थ्री बाइट माइनस थ्री पॉइंट समथिंग अपॉन टू डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, तो उस वैल्यू को आपको वहीं पर ड्रॉप कर देना चाहिए बिकॉज थ्री होना चाहिए जीरो से बड़ा। तो टी की यहाँ पे केवल एक ही वैल्यू फाइनल होगी, दैट इज माइनस वन प्लस रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। अब टी फाइंड नहीं करना आपको, आपको एक्स फाइंड करना है। तो टी किसको लेट किया था मैंने, टी लेट किया था हमने टू की टू अपॉन थ्री की होल पावर एक्स को, पुट कर दो उसको, माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। अब मेरे को फाइंड करना है एक्स, और एक्स है यहाँ पे पावर में, पावर को अगर आपको डील करना हो तो ऐसा कौन कर सकता है, लॉग फंक्शन। तो दोनों साइड में क्या किया मैंने, लॉग लगा दिया और बेस को रखेंगे सेम। अब बेस कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार सेम आप रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लॉग लगाया दोनों साइड में और इसका बेस मैंने लेट से टू मान लिया, कुछ और भी आप मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए जीरो से बड़ा और नॉट इक्वल टू वन। राइट में क्या बनेगा, लॉग ऑफ रूट फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, बेस यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा टू। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि लॉग का अगर आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा होता है तो जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होता है, उसको मल्टीप्लाई में आप बाहर निकाल सकते हैं। तो एक्स गया बाहर, तो एक्स को जैसे ही बाहर निकाल देंगे यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स इंटू लॉग ऑफ टू बाई थ्री बेस टू इक्वल टू लॉग ऑफ रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू, और बेस यहाँ भी कितना है टू। अब यहाँ से निकाल लो एक्स, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा लॉग ऑफ रूट फाइव माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ टू बाई थ्री, दोनों का बेस कितना है टू। अब लॉग की प्रॉपर्टी एक और पढ़ी आपने कि एन आर और डी आर पार्ट दोनों में अगर लॉग दे रखा हो विथ सेम बेस तो दोनों क्लब कर सकते हैं आप। तो ये बन जाना है x इक्वल टू लॉग ऑफ रूट फाइव माइनस वन बाई टू, एक बार चलो वापस लिख देता हूँ उसको, बेस टू था और अपॉन में क्या है लॉग ऑफ टू बाई थ्री बेस टू। अब इन दोनों लॉग को आपस में क्लब कर देंगे आप, क्या बनेगा लॉग ऑफ रूट फाइव माइनस वन बाई टू टू द बेस टू बाई थ्री। न्यूमरेटर पार्ट में जो लॉग है उसका जो आर्ग्यूमेंट बनेगा वो तो नए लॉग का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और डी आर पार्ट में जो लॉग है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो नए लॉग का बेस बन जाएगा। तो फाइनली जो एक्स की वैल्यू मेरे को मिल रही है दैट इज लॉग ऑफ रूट फाइव माइनस वन बाई टू टू द बेस टू बाई थ्री। यही एकमात्र रियल एक्स होगा जो उस इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। अगर आपसे पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन तो दैट विल बी वन, केवल एक ही सोल्यूशन बनता और ये इसका सोल्यूशन है x इक्वल टू लॉग रूट फाइव माइनस वन बाई टू टू द बेस टू बाई थ्री। तो ये हो गया अपना आज का सवाल, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक आप लोग ये कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो।